नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना अमृत सरोवर सिद्धार्थनगर जिले में पूरे जोर शोर से चल रही है। इस योजना के तहत सिद्धार्थनगर जिले में कम से कम 70 तालाबों का सुंदरीकरण कर उन्हें उपयोगी बनाना है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त तक का समय दिया है। तय सीमा में ये काम पूरा हो जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नौगढ़ ब्लॉक में कंदवा में स्थित इस तालाब का सुंदरीकरण भी अमृत सरोवर परियोजना के तहत किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से इस तालाब की खुदाई बारिश होने से पूर्व पूरी कर लेने की भरपूर कोशिश हो रही है। जिले में बन रहे 70 अमृत सरोवरों के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सिद्धार्थनगर जिले में तालाबों के सुंदरीकरण का कार्य अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी 70 तालाबों का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा जिले में और भी कई तालाबों का सुंदरीकरण किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन तालाबों के निर्माण में करीब 30 लाख के आसपास विभिन्न मतों से कार्य होने हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से अपने जिले सिद्धार्थनगर में 75 अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हर गांव पंचायत में भी दो दो अमृत सरोवर के लिए तालाब चिन्हित करके उस पर काम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत इस कंदवा गांव पंचायत में भी अमृत सरोवर का इतना भव्य निर्माण हो रहा है। ये अमृत सरोवर जो आपका बनना है, इसमें सुविधाएं क्या क्या दी जानी है जो प्रस्तावित है? देखिए, जैसा आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में हमारे तालाबों का विशेष महत्व है। चाहे पूजा हो चाहे शादी हो, उसी आस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हम गाँव पंचायत के जो ये तालाब थे जो विलुप्त हो रहे थे, उसको जो है पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा से और अन्य योजनाओं से अभिसरण करके, एक तो पहला हम इसमें जो है इसकी गहराई बढ़ा रहे हैं। तालाब का जो पहले का जो स्वरूप था उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस पे हम सघन वृक्षारोपण कराएंगे ताकि हरियाली और पर्यावरण के हिसाब से जो है यहाँ अच्छा लगे। इसके साथ ही जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गाँव के किनारे है और सड़क से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम रिटेनिंग वाल भी दे रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा पानी के आगम और निकास के लिए इनलेट आउटलेट की व्यवस्था की जा रही है। और ये भी बता दें कि हमारे जिला अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी के मार्गनिर्देशन में यहाँ पे ओपन जिम और लोगों के घूमने और सुबह शाम टहलने के लिए पाथवे का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि उसका जो है नरेगा से जोड़ के उनके स्वास्थ्य लाभ भी हो सके। ये इसकी जो देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर।